अब कोई भी चीज लेते हो तो हमेशा क्या लेते हो, आप क्या मान के चल रहे हो, IIT होगा या नहीं होगा अभी से, है ना। इसमें मजाक भी कोई करते हैं, सर आप हो, डस्ट डस्ट ठीक है। तो देखो होता क्या है ना कि आपको हमेशा अपने पास एक्सक्यूज रखना होता है, ये बहुत अच्छी बात है। अभी से ही कोर्स शुरू हुआ और कुछ बच्चे एक्सक्यूज रख लेंगे, ये यदि है ना, ये यदि ऐसा हो ना, और हम लोग जिस कंट्री में है ना बच्चों, बहुत अच्छी कंट्री है। जैसे मैं अपने BHU के टाइम बताऊं, BHU में गया तो वहां पर जैसे जो BHU है ना गेट, लंका गेट बोलते हैं, उससे 3.5 किलोमीटर दूर, अंदर ही IIT का हॉस्पिटल सारे है ना, मतलब सीवी रमन से शुरू हो जाता है, सीवी रमन LMD ये सब सारे, जैसे मैं LMD फर्स्ट ईयर में रहता हूं। तो अब वहां से 3.5 किलोमीटर अब जाना है मार्केट या कहीं भी जाना है तो आपको बाहर निकलना होगा ना, वैसे छोटे मोटे मार्केट अंदर भी होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रिक्शे पर बैठते थे, बहुत अच्छे लोग अकेले बैठते थे, तो कभी कभी जैसे अकेले बैठते थे उस जमाने में कभी लेता था 10 रुपये 15 रुपये, 2001 की बात है, 2000 की बात है। तो उससे कभी, मैं तो खुद भी गांव से हूँ, आसपास उसी के जैसा दिखता भी था और स्टेटस भी वही था, इकोनॉमिकल भी मुझे लगता है उससे अच्छा मेरा नहीं था, इसलिए मैं पढ़ाने शुरुआत ही कर दिया था फर्स्ट ईयर से, टीचिंग लाइन में आ गया था। तो बात होती थी हमारी, तो मैं पूछता था कैसे भाई, कैसे ये रिक्शा लगता था, सर जी ये होता ना तो मैं ये कर देता, गवर्नमेंट ऐसी होती ना तो मैं ये हो जाता, ये मतलब उसने ऐसे मुझे एक्सप्लेन किया कि उसने मुझे समझा दिया कि उसको छोड़ के पूरी दुनिया ने उसके साथ गलत किया, इस वजह से वो बेचारा रिक्शा चला रहा है, अदरवाइज बिल गेट्स के बाद ना उसी का नंबर आता है अमीरी में। इतने अच्छे से उसने मुझे समझा दिया और मैं समझ गया, दिस इज द टैलेंट ऑफ एवरी इंडियंस, हर चीज को जस्टिफाई कर देना, हर चीज को जस्टिफाई कर देना। बच्चा बोलता है सर 5 घंटे का लेक्चर, DPP का वीडियो सॉल्यूशन, फिर थोड़ा बहुत इधर उधर, सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता। आपको प्लान बनाना है ना, मतलब स्ट्रेटजी आपको बनानी है बच्चों, सबके पास यही हो रहा है। इवन आप यदि रियल एस्पिरेंट ऑफ ड्रॉपर बैठो तो आपके पास तो स्कूल नहीं है, कुछ बच्चे तो स्कूल भी नहीं भी जा रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेज उनकी चल रही है, सुबह के 5 घंटे उसमें लगे रहते हैं, 6:30-7 बजे उठते हैं, आपका तो वो है ही नहीं, नहीं है ना, शाम तो खाली है, उनका तो स्कूल भी और फिर लक्ष्य बैच में बैठे हुए हैं, सुबह स्कूल है शाम में, तो वो क्या करें। तो बच्चों सबके साथ कुछ ना कुछ है, यू हैव टू मैनेज, ठीक है।